Happy last day to you. Happy last. Hello everyone and welcome back to my channel. Those who are new, hi, I'm Khushi Malhotra and I'm a cabin crew by profession. This video is all about my last layover and my last flight with Indigo. I'm in Chennai right now and this is a very short layover. Hamesha mujhe Chennai mein bahut chota layover milta hai aur aaj bhi mujhe sirf 12 ghante ka layover hi mila hai. 12 ghante ke layover mein zyada kuch hum kar nahi pate hain. Jaise hi hum aate hain, nahate hain, khate hain, so jate hain. दूसरे दिन उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं और फिर जाने का टाइम हो जाता है. इसलिए आई हेट शॉर्ट लेओवर्स, बट मैंने सोचा था कि मैं इस लेओवर में ज़रूर कहीं ना कहीं तो बाहर जाऊंगी ही जाऊंगी. बट मेरी बातें बातें ही रह गई और मैं सोती ही रह गई. लेट उठने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, मैं बाहर नहीं जा पाऊँगी. सो आई डिसाइडेड लेटर ऑन दैट ओके, नहीं जा सकते तो अब इंस्टाग्राम रील बना लेते हैं अच्छे से रेडी होके. दिन थोड़ा प्रोडक्टिव होना चाहिए. सो आई डिसाइड दैट आई गो फॉर पीच लुक. ड्रेस के साथ भी मैच करेगा और रिकमेंडेड लुक भी है. जिन लोगों को नहीं पता, हम एयर होस्टेस जो होती हैं वो कुछ भी मेकअप करके नहीं जा सकती. एक रिकमेंडेड लुक होता है एयरलाइन का. सो चाहे कुछ भी हो जाए, वी हैव टू फॉलो दैट. ग्रूमिंग चेक होती रहती है और कभी अगर चेक हो गई और रिकमेंडेड नहीं है ग्रूमिंग, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. एंड आई डिडंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क. मेरा लास्ट डे था, मुझे कोई भी बैड मेमोरी अपने साथ नहीं लेके जानी थी. नाउ I'm all ready for my Instagram reel. I'll just shoot some Instagram videos. Please do let me know in the comment section how do I look, what do you think about this outfit. I don't know whether you guys know this or not, I am really obsessed with my skin care and hair care as well, because bachpan se mujhe oiling karna bahut pasand tha. Mujhe lambe baal pasand hai, but after becoming a crew meri skin aur baalon mein kafi difference mujhe dekhne mil raha hai. Meri skin aur zyada kharab hoti ja rahi hai, mere baal kafi jhad ते हैं, तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने बालों का. एंड आई रियली डू नॉट प्रिफर हेयर वैक्स और हेयर जेल. आई यूज़ एलोवेरा जेल फ्लाइट पे जब मैं बन बनाती हूँ, तो स्पेशली मेरे बालों में हमेशा ऑयल होता है. मैं हमेशा ऑयलिंग करके रखती हूँ, वो मेरे बालों को ऑलरेडी काफ़ी सेट रखता है. और अगर उसके बाद भी मेरे बाल सेट नहीं रहते हैं तो आई प्रिफर यूजिंग एलोवेरा जेल, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के टाइम पे हमें वो लोग रिकमेंडेड हेयर जेल ही देते हैं लगाने के लिए. बट उसको लगाने के बाद मैंने एक दो महीने में ही ड्रास्टिक हेयरफॉल देखा है अपने बालों का. सो मेरे को काफ़ी लेट समझ आया. सो दिस इज़ अ रियली यू नो स्मॉल टिप फॉर यू गाइज. आप ट्रेनिंग के टाइम पे सिर्फ दिखाने के लिए मैं बोलूँगी हेयर वैक्स और हेयर जेल यूज़ कर लेना या ले लेना, बट उसके बाद आप प्लीज़ एलोवेरा जेल और या तो आप ऑयलिंग करके रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. नाउ आई एम रेडी फॉर माई फ्लाइट. वी आर गोइंग टू ऑपरेट 4 सेक्टर्स टूडे एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग एंड टफ डे. 4 सेक्टर करने के बाद सब डेड हो जाते हैं और मैं ऑलरेडी डेड फील कर रही हूँ. आई गेस मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है. यही होता है जब छोटा लेओवर हमें मिलता है, तो अगर हम किसी और चीज़ में लग गए तो खाना पीना और स्लीप साइकिल सब ख़राब लेओवर पे भी हो जाती है. बट दैट्स ओके फॉर टुडे, क्योंकि इतना तो बनता है. आई विल जस्ट राइट सम फ्लाइट डिटेल्स. फ्लाइट डिटेल्स वो होती है जो हर फ्लाइट से पहले हर क्रू अपने पास लिख के रखता है. जैसे आज मैं 4 सेक्टर ऑपरेट करने जा रही हूँ. अगर कोई क्रू चेंज हो रहा है या नहीं भी हो रहा है तो कैप्टन और एफ ओ के नाम, मेरा सारा जो सेट ऑफ क्रू है उनके नाम, आई जी ए जो कंपनी हम लोग का आईजी होता है, जो आईडी होती है वो लिखते हैं हम लोग. टेक ऑफ लैंडिंग की टाइमिंग्स लिखते हैं 4 सेक्टर की. एंड आई एम रेडी. हाउ डू आई लुक गाइस? आई थिंक मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ और मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है. लेट्स गो टू द बुफे नाउ. बुफे जाने से पहले मैं चेकआउट करा देती हूँ, क्योंकि चेकआउट करने के बाद आराम से बुफे में खाने का मज़ा ही कुछ और है. के बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी. अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ, बट मेरा सेट ऑफ क्रू इतना अच्छा था कि वो मुझे सोने नहीं दे रहा था. हम एयरपोर्ट अभी पहुंच चुके हैं. अंदर जाके हमारी ब्रीफिंग होगी. हमारी जो लीड है आज की वो बैंगलोर की है. हाय सर, क्या देख रहा है?
थैंक यू। चेन्नई में ज़्यादा आई नहीं हूँ तो इंडिगो बेस के बारे में मुझे इतना पता नहीं था, बट हमें बहुत टाइम लगा बेस ढूंढने में, क्योंकि मेरा जो सेट ऑफ क्रू है वो भी मेरे से भी नया क्रू है, तो उनको भी इतना आइडिया नहीं था, बट फाइनली हमें मिल ही गया। बेस पे पहुंचने के बाद सबसे पहली चीज़ हम करते हैं बीए और चेक इन, उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट्स चेक कर आते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बाद हमारी ब्रीफिंग होती है। हमारे पास बहुत कम टाइम था इसलिए हमारी ब्रीफिंग बहुत छोटी रही इस बार। एयरक्राफ्ट लेट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि फ़्लाइट ऑलरेडी डिले चल रही है, लेट आया है एयरक्राफ्ट, अब हमारा एयरक्राफ्ट टाइमली जाए ये हम सब मिलके मेक श्योर करते हैं। आते ही हमने अपने बैग्स रखे और इक्विपमेंट चेक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इक्विपमेंट्स चेक करना सबसे मेन चीज़ होती है। हर क्रू सबसे पहले फ़्लाइट पे आके इक्विपमेंट चेक करता है। आज मैं सेकेंड इन कमांड थी। सेकेंड इन कमांड जो है वो सबसे सेकेंड मोस्ट सीनियर होता है फ़्लाइट पे, और मेरे साथ पीछे जो दो क्रू और हैं वो मेरे से जूनियर है, तो वो मेरे पे ही डिपेंडेंट है आज इस फ़्लाइट में, जैसे मैं किसी और फ्लाइट में मेरी किसी और L2 पे डिपेंडेंट रहती थी। कृपया अपनी सीट पॉकेट में रखे सुरक्षा अनुदेश पत्र को निकालें और हमारी तरफ ध्यान दें। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है, कसने के लिए इस तरह फीते को खींचें और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। ऑक्सीजन मास्क पहनने से पहले अपना फेस मास्क जरूर उतार लें और दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। ध्यान रखें कि निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। आपात स्थिति में फर्श पर लगे एस्केप पाथ मार्किंग सिस्टम की सहायता से आप निकटतम द्वार तक पहुँच सकते। मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा था क्योंकि फ़्लाइट डिले होने के बाद भी पैसेंजर्स ने कोई ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं करा, बहुत अंडरस्टैंडिंग पैसेंजर्स थे आज के मेरे। बट आगे जाके आई गॉट वेरी इमोशनल बिकॉज मेरा सेट ऑफ क्रू इतना अच्छा मुझे मिला था। फ़्लाइट आपकी तभी अच्छी जाती है जब आपका सेट ऑफ क्रू बहुत अच्छा और सब मिलजुल के काम करे। समथिंग फॉर यू। अरे लीड को बुलाओ यार। हाउ डू यू फील? रोने लग जाऊंगी मैं। ओह माय गॉड, वाओ यार, बुला दो ना थोड़ा सा। द लीडिंग लेडी इनिशिएटेड इट। थैंक यू यार, इतने इतना पहले कभी नहीं किया है। तो ओके, ये स्पेशली इन्होंने बनाया है, ठीक है, आपके लिए कॉफी। आई सेड कि आपको कॉफी पसंद है, ये इन्होंने किया है, नहीं पहले ये इन्होंने हमारी लीड ने किया, ये सारा ये मैंने क्रिएटिव किया है, लिखा लेटर। आपके लिए वीडियो भी वैसे ही बन रहा है, आपके नजर आपको आपके ब्लॉगिंग को नजर में रखते हुए। हैव अ सिप ऑफ कॉफी। चलो केक काटो। हैप्पी लास्ट डे टू यू, हैप्पी लास्ट डे टू, ये सिख कर रही है। हैप्पी लास्ट डे टू डियर खुशी, हैप्पी लास्ट डे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। आज ज्यादा स्पीड पकड़ोगे ना? नहीं, जो वीडियो बनाए वो वीडियो बनाए। ओके गाइस, चलो।
सो येस आई एम गोइंग टू मिस इंडिगो अ लॉट. और जाते जाते मैंने अपने सेट ऑफ क्रू और कॉकपिट क्रू से रिक्वेस्ट करी कि आफ्टर लैंडिंग वो मेरे साथ एक ग्रुप फोटो ले. आफ्टर लैंडिंग हमने ग्रुप फोटो ली, थोड़ी सी चिट चैट करी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कैसा था वीडियो एंड हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन.